आपको रूबरू करा देते हैं। एक बड़ी खबर आपके सामने, एक अहम जानकारी हम आपके लिए दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर प्रदेश भर में आज से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होना है। प्रदेश में आज से 2000 केंद्रों पर लगाए जाएंगे टीके। 18 से 45 एज ग्रुप के लिए केंद्रों को बाध्यता खत्म की गई, किसी भी सेंटर में जाकर लगवा सकेंगे वैक्सीन। जिला प्रशासन को केंद्र की तरफ से भी मदद, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश, सीधा उनका रुक करते हैं। आप इस जिस तरीके से अभी वैक्सीनेशन का अभियान जो है वो शुरू हुआ है, और स्टॉक की भी अगर हम बात करें तो क्या पर्याप्त स्टॉक है, हर दिन इतना बड़ा लक्ष्य रखा गया है वैक्सीन लगवाने का? जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद से खरीद कर 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन शुरू किया, का ये फैसला आया है कि केंद्र सरकार ही सारे वैक्सीन जो है वो देगी। तो इस संबंध में यहाँ पर नई गाइडलाइन जारी की गई है, नए तरीके से टीकाकरण केंद्रों में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो अब वो कंडीशन खत्म कर दी जाए, जिस तरह से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा था ना, अब जो टीकाकरण केंद्र है वहां जाकर लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कोविड का टीका लगा सकते हैं। तो पूरे प्रदेश भर में ये लक्ष्य रखा गया है कि 1 लाख टीकाकरण रोज होना है। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लगातार बातचीत हो रही है, और लगातार जो टीका की खेप है वो खेप होगी। जी, ऐसे में लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस टीकाकरण अभियान को लेकर? जी, यदि छत्तीसगढ़ में आंकड़ों की बात करूं तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।